हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन नारसन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही संबंधित कर्मचारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अधिकारी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है, जिसके लिए 6 सितम्बर से 8 सितम्बर तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए ARO और क्षेत्र पंचायत के लिए 4 ARO नियुक्त किए गए हैं। बंगलौर से संवाददाता राहुल सैनी की रिपोर्ट। आप सबको पता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रोसेस जो है वो अभी गतिमान है। 6, 7, 8 सितंबर को कल से यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर रिसीव किए जाएंगे। तो जो ग्राम प्रधान हैं और ग्राम पंचायत सदस्य हैं उनके लिए हमने यहाँ पे 8 ARO डिप्यूट कर रखे हैं, वैसे ही जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके लिए 4 ARO डिप्यूट कर रखे हैं। ARO के माध्यम से ही नॉमिनेशन पेपर ब्लॉक लेवल पर रिसीव किए जाएंगे। यहाँ पे मैंने आके तैयारी देखी है, तैयारियों से काफी संतुष्ट हूँ मैं। अलग अलग खिड़कियां बन चुकी हैं।